लड़का ये लीजिए जूस पीजिए। अरे मेरा कितना ख्याल रखती हो तुम सीपीआर। कोई मेरा जितना ख्याल रखती हो ना उतना ही ख्याल जरा पेशेंट्स का भी रखा करो। अभी कल वो अर्जुन चपूर आए थे अपने वो जुड़ी हुई जांघों को अलग करवाने के लिए, तुमने उनकी मदद क्यों नहीं की? अरे सर बड़ा फायदा है, गन्ना उनकी जांघों के बीच में से निकालो तो जूस बन जाता है। आपको पता है फिल्मों से ज्यादा मुनाफा है इस बिजनेस में। आप ये जूस पी के उनके पहले कस्टमर बने हैं। क्या हुआ, बाल आ गया क्या? उनकी जांघों से निकला जी। एक मिनट। एक लड़की थी दीवानी से, एक लड़के पे वो मरती थी। Oh God, please, बस कीजिए। कब से यही डायलॉग सुन रही हूँ। अगर आपने एक बार और ये डायलॉग सुना है ना तो मैं आपको परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन तीनों खींच के मारूंगी। क्या बीमारी है आपको? दरअसल मुझे अब हर आदमी में एक औरत नजर आती, समझी? जैसे हर आदमी में। अभी मैं भागी 3 देखने गया था, दोनों हीरोइन थी उस फिल्म के अंदर। अरे उसमें तो दिशा के साथ टाइगर थी। सुनिए, टाइगर से याद आया, आप मुझसे शादी करेंगे? तुमसे शादी? देखिए सर, मुझे आई लव यू बोलने के लिए एपिग्लॉटिस से बोलना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं थूक जमा कर रहा हूँ, टम्बलर में भर के दूंगा। जब शादी का ख्याल है अपने धीरे धीरे मुंह पे मारती रहना। अच्छा, बेइज्जती। यार कोई बात नहीं, कोई मैंने आपकी फिल्म देखी हैप्पी न्यू ईयर। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन 25 दिसंबर को सैंटा क्लॉज आए और 28 तारीख की शताब्दी पकड़ के तुरंत लौट गए। बोले कि हैप्पी न्यू ईयर तो मैं नहीं देख पाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं रुक रहा। एक मिनट, मेरा इलाज हो पाएगा कि नहीं? मैं लिख देता हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ। आप ना यहाँ से सीधा अफ्रीका के एक मंदिर में जाइए, क्योंकि यहाँ पर आसपास मत जाइएगा। यहाँ पर आसपास सभी लोगों ने आपकी 0 फिल्म देखी हुई है। फिर वो आपको बहुत जोर जोर से पीटेंगे और फिर हैरी कभी सेजल से मिल नहीं पाएगा। और वैसे भी अब आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत। थैंक यू फॉर द बेइज्जती। चलिए शुक्रिया, मेहरबानी, तू गए तो नाम तेरे कर दू सारी जवानी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।